नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ रतन नूर। गाने तो आज के जमाने के भी कमाल, लेकिन पुराने जमाने के गाने बड़े कमाल थे। रोमांटिक गाने, रोमांटिक स्टार राजेश खन्ना साहब का एक गाना बड़ा मुझे याद आ रहा है, ओ मेरे दिल के चैन। इस गाने में एक लाइन खन्ना साहब ने हीरोइन से ऐसी कह दी कि हीरोइन बेहोश। लाइन थी, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। किसके लिए? दुनिया के लिए? ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया? फिर खन्ना साहब ने एडजस्ट किया, अरे तू ही मेरी दुनिया है और मैं ही तेरी दुनिया हो रही। आजकल तो पता है आपको, हीरो के साथ साथ, गायक के साथ साथ एक्टर भी गा रहे हैं। फरहान अख्तर ने गाना गा दिया था, न मैं समझा न मैं जाना, तुमको ना मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई साहब, फरहान साहब अगर इस तरह की आवाज़ में गाओगे तो वाकई जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। फिल्म का नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गाना आपने तो सुना ही होगा, न मैं समझा। इनके साथ में एक विदेशी औरत भी डांस कर रही है, स्पेनिश औरत। वो आज तक समझ में नहीं आया कि इनके साथ गाना गा रही है या इनको कोस रही है, इनको गालियाँ दे रही है अपनी भाषा में। न मैं समझा, अरे मारा तल मनो कुतरे हर मनो कुतरे, न मैं समझा अरे मनो कुतरे, न मैं समझा लेकिन तो समझ गई। फिर भी अच्छा लगा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों तूने फेंक के मारा मुझको ईटा। ऐसा कहते हैं कि बाप के किए की सजा बेटे को मिलती है। बाप जिंदगी भर इतना बोले हैं, इतना बोले हैं, इतना बोले हैं कि बेटे का पैदाइशी गला बैठा हुआ है। नहीं, जहाँ तक मेरी मालूमात है, अगर सही चीज़ हो तो जावेद मियां दाद देंगे। सही चीज़ एक मिनट मात्र, यहाँ लिखा हुआ है, थूकना मना, फिर भी थूक रहे हैं। सही चीज़ हो तो जावेद मियां दाद देंगे और गलत चीज़ हो तो जावेद मियां डांट देंगे। ये तरीका है। इसमें इरफान खान साहब मिल गए, मिल गया। भाई सर मुबारक हो, एक ज़माने में आपके पास जुरासिक पार्क देखने के पैसे तक नहीं थे, आज जुरासिक वर्ल्ड यानी जुरासिक पार्क थर्ड के आप मेन विलन हैं। इसे कहते कामयाबी, इसे कहते टैलेंट। हाँ, मतलब बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी आपको सलाम करता है। अरे टैलेंट वाले कुछ नहीं भाई, सच्चाई सुनिए सर, बहुत ही दिल पड़ गया। मेरे मोजे सुगाने पड़ेगा तब जाके होश में आएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा साले, सच्चाई सुनेगा तो। सच्चाई क्या है? सच्चाई सुनना चाहते हैं सुन ले। जुरासिक पार्क का विलन कौन था? डायनासोर। बस उनको उसी की शक्ल का एक आदमी चाहिए था। पूरी दुनिया में किया शोर, इंडिया में मिला उन्हें डायनासोर। और सुनील पाल, तू साले ज़्यादा खुश में तो तुझे भी फ़ोन आ सकता है। किस बात का? लोग चिंपांजी बना रहे भावना को समझू। अभी हाल ही में जब हमने गणपति साहब बापा का विसर्जन किया तो मैं उस चीज़ को बड़ा गौर से देख रहा था। एक भी विसर्जन में एक भी गाना बापा का नहीं बज रहा था, एक भी भक्ति संगीत नहीं था। पापा बेचारे दुखी दुखी विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे थे और डांस करने वाले आगे जो हमारे जितने भी भक्त लोग हैं गणपति बापा के, वो पता नहीं कौन से गाने पे डांस कर रहे थे। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, पापा वर्जन है, इसलिए मेरा क्या कसूर। आगे और बढ़ गए, पापा सोच रहे कि अब तो मेरा गाना भक्ति संगीत कुछ होगा यहाँ पर। आगे और गाना, अजीब गाना, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। पापा ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मुझे तो पापा खुद ही हाथ जोड़ के बोलेंगे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, विसर्जन की ना मुझे सजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। तो आइंदा विसर्जन करेंगे तो भक्तजनों कम से कम पापा का एक हाथ गाना तो बजाओ, ताकि पापा को लगे मैं विसर्जन के लिए जा रहा हूँ, किसी सर्जन के पास नहीं जा रहा हूँ। एक मरीज डॉक्टर के पास आया, बोले डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है, चार कदम चलता हूँ हाँपी चलने लगती है। डॉक्टर साहब पूछे कि तू सुबह कितने बजे उठता है? बोले सुबह 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले बेटा इस देश में रामदेव बाबा के भक्त सुबह 5 बजे उठकर पूरा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। सुबह उठो फायदा होगा, बाबा जी ने कहा फायदा होगा। दूसरे दिन वो 3 बजे रात में ही उठ के निकल गया, मॉर्निंग वॉक पर घूमने निकल गया। 2 गुंडों ने उसे रोके मोटरसाइकिल से, चाकू अड़ाए, उसका पर्स छीन के ले गए।
वो बाबा जी के पास आया। बाबा आपने बोले सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। बाबा बोले मैंने बोला था बेटा जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे इसलिए फायदा उनको। एक मुर्गी चली गई अंडे की दुकान में, कौक 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 कौक, अंडा कितने का दिए? दुकानदार बोला तू तो खुद अंडा देती, तू क्या करेगी पूछ के? नहीं बोले आप बताओ अंडा कितने का दिए। बोले तू क्यों पूछ रही? बोले मेरा मिस्टर कहता है 5 रुपए के लिए फिगर मत बिगा। मैं तो फ्लाइट से आ रहा था दिल्ली से मुंबई, 2 घंटे की फ्लाइट, मेरे आगे 3 खूबसूरत बच्चे ABC, इतने शरीफ बच्चे के पानी भी एयर होस्टेस से नहीं मांगते थे, मम्मी पीछे बैठी मम्मी से मांगते थे, मम्मी एयर होस्टेस से पानी लेती बच्चों को पिलाती। मैंने कहा यार इस सदी में ऐसे बच्चे, अनुशासित बच्चे। उतरते समय पूछा बहन जी किसके बच्चे हैं? बोले हमारे बच्चे। मैंने कहा बहुत अच्छे, क्या नाम है? बड़े का बोले दिनेश, दूसरे का रमेश और तीसरे का महेश। मैंने कहा नाम भी बहुत अच्छे हैं, पवित्र नाम है, इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की 15, दूसरे की 10 और तीसरे की 5। मैंने कहा नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा बताओ, एक की 15 साल, दूसरे की 10 साल, तीसरे की 5 साल, आपने ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? बोली भाई साहब इसमें कौन सी कमाल की बात है, इनके पिताजी विधायक हैं, MLA, जीतते हैं एक बार और जो जाते हैं तो 5 साल के बाद ही वापस लौटते हैं। ये सियासी गुफ्तगू है और ये हालात हैं इस मुल्क के। एक शेर हमने बचपन में सुने थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और काफला बढ़ता गया, कारवां बनता गया, लेकिन एनडी तिवारी ने शेर को ही बदल दिया। उन्होंने शेर लिख दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, DNA टेस्ट होते गए काफला बढ़ता गया। आप जब भी VIP का नाम सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि ये आएगा कुछ ना कुछ मिमिक्री करेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे एक्टर बसे हुए, 1 नहीं 2 नहीं 150 एक्टर बसे हुए अंदर। मैं अपनी आवाज़ में बात कर ही नहीं सकता हूँ, फैमिली में भी, बीवी बच्चे, अगर कभी मेरी बीवी भड़की हो तो मेरे अंदर से गुलशन ग्रोह और अचानक मेरी बीवी भड़की है तो मेरे अंदर अमोल पालेकर आ जाता है। अरे नहीं दरअसल जानो मैं तो ऐसे ही आ गया था, लेकिन मुझे भड़कना होता मेरे अंदर गुलशन ग्रोह आ जाता, बैडमैन मैंने तुझे पहले कहा था गन्ना चूस के। तो ना मैं अपनी आवाज़ में भड़कता हूँ ना ही मैं अपनी आवाज़ में कुछ कहता हूँ, मेरे घर पे यही चलता है। आइए, आजकल एक शख्स बड़ा मशहूर हुआ है फिल्म माझी से, माझी सभी ने देखी होगी, 22 साल लग गए पहाड़ तोड़ने में, वो परेशान है ये फिल्म मैंने क्यों की। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की, वो परेशान मैंने फिल्म क्यों की क्योंकि इस फिल्म के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले उनका एक सीन बताता हूँ, जब फिल्म शुरू होती है, फिल्म का पहला सीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत चोर है, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत बड़ा हो गया, अरे भरम है भरम, देख कैसे उखाड़ कर फेंकते, हमार फकुनिया को अमर से छीन लिया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जो सहिष्णुता और असहिष्णुता का जो मामला है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी एक विचारधारा रही है। माननीय श्री मुलायम सिंह जी का भी कहना था असहिष्णुता के मामले में, किसी ने उनसे पूछा कि मुलायम सिंह जी ये जो असहिष्णुता जो फैलती जा रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? या हमारा जो हम उत्तर प्रदेश आधार पर हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश हमने बदाम में हम जो ये उतार है जो इसके आधार पर हम जो चाहते हैं समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश को क्या, और ये जो नहीं हमने सर वो असहिष्णुता के बारे में क्या कहा, ये जो जो भी है ये इसमें आराम अग्नि चाहिए। और ये जो सही जो हमने माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अखिलेश हमने बात की, हमने चर्चा करने आहा, हमने ये तय पाया है कि ये जो उता है क्या है ये, नहीं ये जो उता है जो हमने भाई साहब नेताजी आपने जो असहिष्णुता के मामले में जो विचार दिए हैं पूरे देश को, वाकई में काफ़ी सराहनीय विचार हैं। आपने जहां जहां हमको बुलाया वहां छा गए, आज IBN 7 ने बुलाया हम फिर से आ गए। तो मैंने ऐसी आवाज दी कि आप में से कोई गाना गाएगा, तो कोई नहीं आ रहा है। अचानक पब्लिक में से एक सिंधी भाई आ गए, कुत्ते को लेकर, डॉगी को लेकर स्टेज पर आए,
मैंने कहा सिंधी भाई आप आए, वेलकम, सुस्वागतम, आप गाना गाएंगे? सिंधी भाई, अरे बाबा गाएगा नहीं गाएगा बाबा गाएगा। मैंने कहा अच्छा आप गाइए, लेकिन ये कुत्ते को जो स्टेज पर लाए हैं हम, कुत्ते को जरा नीचे रख दीजिए और आप अकेले गाइए। अरे कुत्ते को कुत्ता मत बोल कुत्ते, मैं डर गया। मैंने कहा भाई साहब मैं कुत्ता नहीं हूँ, कुत्ता ये है, ये कुत्ता नहीं है। मैंने कहा इसके चार पैर है, दुम है, भोगता है, बात करता है। बात नहीं करता है, भोगता नहीं है। क्या बात करता है, क्या करता है? गाना गाता है। मैंने कहा ये गाना गाता है, बात करता है, ये बात करता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ताराचंद बदलानी। मैंने कहा इसका नाम पूछा? इसी का नाम ताराचंद बदलानी। तो मैंने कहा सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोती। मैंने कहा ठीक है, ये गाना गाएगा? गाना गाता है, बात करता है। मैंने कहा कैसे गाएगा? इतना बड़ा डंडा लाओ, इसका बाप भी गाएगा। अब इतना बड़ा डंडा लिया, कुत्ते का बेल्ट, डॉग का बेल्ट हाथ में लिया, इतना बड़ा डंडा लिया, तो सिंधी भाई ने और डॉग ने यानी कि कुत्ते ने कौन सा गाना गाया मिलकर? देखिए बाबा तैयार, नया साल का गाना मिलकर गाने का, रेडी 1 2 3 4। मैं नाचू बाबा तुम नाचो, अरे जितने तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही है जिंदगी। एक होटल में देखा मैंने, एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया खाना खाने के लिए, महंगी महंगी डिशेस आई, कभी वो उसको खिला रही है लो बाबू खा लो, कभी वो उसे खिला रहा लो खा लो। बिल आया, बिल आते ही प्रेमी ने अपना जेब चेक किया, जेब में कुछ नहीं था। बिल देखा, अपने आप को सोचा, मुंह सूख गया। तो लड़की ने कहा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो घबराते हुए रोते हुए गाने में कहता है, मुंह सुखाने की वजह तुम हो, दिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़के ने कहा चुपचाप बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। तो वेटर से कहा, अरे लड़के तू मुझे बतला। क्या साहब? बर्तन धोने की जगह दिखला। तो बाद में दिखाऊंगा तेरे सूट को। या जाए ना जाए ना जाए ना। अरे साहब साहब मत बोल, कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे नौकरी चाहिए। सलाम आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल। बिहार बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छा स्टेट, क्योंकि बिहार में जब कभी सफ़र करो ट्रेन से जाओ बहुत मज़ा आता है। जनरल बोगी आपने भोगी या नहीं भोगी? मैंने भोगी। जनरल बोगी में घुस जाओ तो जहाँ सामान रखते हैं वहाँ 15 आदमी घुस के सोते, सीट के नीचे 15 आदमी घुस के सोए हैं, सामान रखे कहाँ, आदमी सर पे रखता है एक पैर पे सफ़र करता है। अगर TC खुल जाए तो TC की तो खैरियत ही नहीं। एक TC डब्बे में घुस गया और एक से टिकट मांगा, चल टिकट दिखा, बोले हम बिहार का आदमी, हम टिकट लिया हूँ। भाषणबाजी शुरू हो गई, टिकट है ही नहीं, जहाँ हाथ डाल रहा वहीं खाली, हम टिकट लिया हूँ, हम बिहार का आदमी हूँ, फ्री सफ़र नहीं करता हूँ, लालू जी का आदमी हूँ, लालू जी रेलवे मिनिस्टर रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जो भी रहे तू टिकट तो दिखा। बहुत मुश्किल से मोजे से टिकट निकाल के किसी ने देखा, बोले तो 5 साल पुराना टिकट है। बोले आपका ट्रेन कौन सा नया है? 25 साल से हम देख रहे हैं यही चल रहा है, तो हमारा टिकट नहीं चलेगा। किसी भी बाबा दूसरे डब्बे में घुसा, बोले अब तू दिखा, बोले हम भी लिया हूँ, हम भी पासवान का आदमी हूँ, हाजीपुर से हूँ, हम भी फ्री सफ़र नहीं करता हूँ। कपड़े के अंदर 3 कपड़े, उसके अंदर से टिकट निकाल, बोले ये तो प्लेटफार्म का टिकट है। बोले हाँ अगले स्टेशन में प्लेटफार्म में ही उतरना। वो वहाँ से भी भागा, बोले इससे भी कौन, ट्रेन 7-7, 8-8 दिन लेट हो जाती हैं, पटरियां उखड़ जाती हैं, हड़ताल हो जाती है। बिहार से चलने वाली ट्रेन कभी कभी 15 दिन बाद पहुंचती है। कल्याण पहुंचते पहुंचते, बम्बई पहुंचते पहुंचते TC ने एक पैसेंजर से पूछा, अब तू टिकट दिखा। वो बोले हम भी बिहार का आदमी हूँ, हम टिकट लिया हूँ, हम टिकट दिखाता हूँ। टिकट दिखाया, बोले अच्छा ये तो आधा टिकट है, बच्चे का है। बोले हम जब ट्रेन में बैठा था तो बच्चा ही था।
मुंबई पहुंचते पहुंचते जवान हो गया। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुगंधा मिश्रा। तो कंगना जी के पास चलते। कंगना, क्या विश देंगी बॉलीवुड को अपने न्यू ईयर पे? गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्वीन हूँ, आई एम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, यू नो। तो 2015 में तो मैं क्वीन बन गई, अब 2016 में आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ प्रिंसेस, यू नो। और हाँ, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये भी टोटल क्राउन मिल जाए तो आई डोंट माइंड, यस। और हाँ, नए साल पे मेरा एक मैसेज याद रखना कि बस रोज शाम को अकेले कमरे में लाइट्स ऑन करके, म्यूजिक ऑन करके डाउन टू अर्थ हो जाया करो, डाउन टू अर्थ, यू नो, ड्रिंक लेकर। अरे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ यार, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, ऑलराइट। तो देश की दीदी से पूछेंगे कि न्यू ईयर पे आप ऑडियंस को क्या सुरीली विश देना चाहेंगी? नमस्कार, मैं नए साल में एक ही गीत गाऊंगी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल। दीदी दीदी, ये तो बर्थडे सॉन्ग है, न्यू ईयर सॉन्ग आइए। अच्छा, तो चलो हैप्पी बर्थडे की जगह इसको न्यू ईयर कर देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू लाला, हैप्पी न्यू ईयर टू यू लाला, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर।